हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का जो 2.9 वर्जन का अपडेट है आ चुका है पबजी मोबाइल का। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक न्यू अचीवमेंट के ऊपर, जिसको आप कंप्लीट करोगे तो काफ़ी सारे आप लोगों को अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे कूपन्स भी मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है जो यहाँ से आपको मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखना, एक ही करके हम बात करेंगे कैसे आप लोगों को सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले। तो चलते हैं सीधा अपने अचीवमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर जैसे आप लोग आओगे तो ऑनर करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको आ जाना। फिर आप लोगों को यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा स्नोई फ्रेंजी करके एक यहाँ पे अचीवमेंट। एंड देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को तीन चीज़ें बोला जा रहा है इस इवेंट के अंदर कंप्लीट करने को, और जैसे ही आप लोग ये तीनों चीज़ों को कंप्लीट करते हो तो आपका ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट नंबर पर बोला जा रहा है कि रेनडियर, जो यहाँ पे फ्लाइंग रेनडियर जो, उस पर आप लोगों को बैठना है एक बार। और यहाँ पे देख सकते हो सेकंड में आपको बोला जा रहा है स्नो रेल का यूज़ करना है, और स्नो रेल का यूज़ जैसे आप लोग एक बार कर लोगे तो ये सेकंड वाला अचीवमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड थर्ड में आप लोगों को बोला गया स्नो ब्लास्टर का यूज़ करके हिट करना है प्लेयर को। तो देखो स्नो ब्लास्टर जो है ना कुछ और नहीं है, सिंपली यहाँ पे एक गन है। और ये गन आपको कहाँ पे मिलेगी उसका लोकेशन मैं चलो आपको बता दूंगी, और उसी गन से आप लोगों को एक प्लेयर को हिट करना है यानी कि मारना है। अब चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधा न्यू वाले मोड के अंदर जो अपडेट के बाद आ चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग इरेंगल मैप खेलने वाले हैं, तो आप लोग सीधा इरेंगल लगा देना या फिर आप लोगों को लिविक के अंदर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो हम लोग सीधा इरेंगल स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखो आप लोगों को लोकेशन दिख रहा होगा, लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्नोई विलेज करके नाम है। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा आ जाना, हमेशा एक ही सेम ही लोकेशन रहती है, तो सेम यहाँ पे आप लोगों को स्नोई विलेज करके जो लोकेशन है यहाँ आ जाना। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह तो गिरती रहेगी, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है ना कि ये कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो स्नोबोर्ड ब्लास्टर, यही वाली जो हमारी गन है ना इसको उठाना है और इसी से आप लोगों को एक किल करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग इस वाली गन को उठाओगे उसके बाद आप लोगों को कोई सा भी एक एनिमी खोज लेना। यहाँ पर बॉट वॉट बहुत आएंगे क्योंकि यहाँ पर न्यू वाला मोड है, न्यू लोकेशन है, तो काफ़ी सारे बॉट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। देखो मेरे सामने एक बॉट है, तो जैसे ही आप लोग एक बार हिट करोगे ना यहाँ पे बॉट को तो वो स्नोमैन में चेंज हो जाएगा। ये देखो काफी गजब का है ना, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये स्नोमैन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, हिट करना है प्लेयर को, और जैसे जैसे आप हिट करोगे तो आप लोगों का मिशन जो है कंप्लीट होते जाएगा। तो देखो इस तरीके से आप लोग किसी को भी, मतलब अपने टीममेट को भी स्नोबॉल में चेंज कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे जो स्नो रेल है ना वो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका ग्लाइडिंग करके ऑप्शन आएगा। एंड सीधा आप लोगों को यहाँ पे सीधा जाना है एंड ग्लाइड करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग ये वाले स्नो रेल के ऊपर जाओगे तो आप लोगों का सेकंड वाला जो अचीवमेंट था ये भी आप लोगों का जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप लोग आगे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के मिशन जो है कम्प्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा लोकेशन का व्यू ले सकते हो यहाँ पर सिर्फ घूम के। वैसे यहाँ पर बात करूँ ना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये मोड। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड चीज़, यहाँ पर हम लोगों को जो बोला जा रहा है कि रेनडियर चाहिए होगी एंड उसके ऊपर हमको राइड करना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कहीं पर भी आप को किसी भी जगह पे खड़ी हुई मिल जाएगी। तो आपको आना है सीधा यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करना है। देखो तो इसका नाम जो फ्लाइंग करके, बट ये उड़ती नहीं है, सिर्फ आपको जंप करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा राइड करना है, और जैसे ही आप लोग थोड़ा सा राइड कर लोगे इस रेनडियर के ऊपर तो आप लोगों का ये वाला भी जो अचीवमेंट है ना कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला जो मिशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर मैं राइड कर चुकी हूँ, अब सीधा मर जाते हैं। देखते हैं लाइफ प्रूफ के साथ कि क्या आप लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कलेक्ट की, एंड देखो यहाँ पर दिख रहा है कि मैं कुछ जो है प्रोग्रेस रिवॉर्ड्स यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वही रिवॉर्ड्स या फिर नहीं। तो चलते हैं सीधा अपनी लॉबी के अंदर एंड देखते हैं वहाँ पे कि हम लोगों को सारे मिशंस मिले हैं या फिर नहीं, मतलब सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए या फिर नहीं। तो आप लोगों को आ जाना सीधा मैच को एंड करके लॉबी के अंदर, और उसके बाद आना है यहाँ पे अचीवमेंट पे। और चलो यहाँ पे हम सीधा लाइफ प्रूफ देखने वाले हैं कि हमारा अचीवमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुकी हूँ अचीवमेंट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को दिखेगा नीचे में थोड़ा सा, जैसे आओगे ऑनर करके एंड फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फाइनली हमारा जो मिशन है कम्प्लीट हो चुका है, जहाँ पर हम लोग को दो यहाँ पर कूपन मिल रहा है जो कि क्लासिक रेट के। तो सीधा यहाँ पर आप लोग चाहो तो उसको कलेक्ट कर लेना, और सिर्फ इसको कलेक्ट नहीं, आप लोगों को 30 अचीवमेंट पॉइंट्स भी यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और तीनों ही अचीवमेंट देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा इजी, आप लोग एक मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखाई। और देखो जैसे आप इसको कलेक्ट करोगे तो आप लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स एंड जो 30 अचीवमेंट पॉइंट है मिल जाएगा। तो काफ़ी इजी सा मिशन है गाइस, जाओ यहाँ पे आप लोग भी एक मिनट के अंदर इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है इस मिशन के अंदर। तो ये सारे जाओ आप कंप्लीट करो। और तो इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया आपने मेरे चैनल को तो जल्दी से
फॉलो कर लो ताकि आपको और भी ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आगे सबसे पहले मिलती रहे। और बाकी हाँ, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी तो सारा कुछ मैं बता ही चुकी, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।